Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Last videos में हमने आपको एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे. आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. इन विच सेइंग दैट प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस. जैसा कि आप दिया हुआ है ट्राइंगल ABC एंड PQR दो को ही सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, इसमें AD एंड PM आर मीडियंस हैं. देन वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया PQR इक्वल टू AD अपॉन PM का होल स्क्वायर. फॉर दिस सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR वी हैव गिवन राइट, देयरफोर AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR बाई CPST. ठीक है, बट BC दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए. सपोज अब देखेंगे सिंस AD एंड PM क्या है, आर मीडियंस. देयरफॉर जब AD मीडियंस हैं तो VD इक्वल टू हाफ BC, दैट्स वाई BC इक्वल टू 2 VD. तो उधर चला जाएगा 2 VD हो जाएगा. एंड QM इक्वल टू हाफ QR implies that any QR equal to twice QM. This is equation number second. From equation first and second, क्या होगा, जहाँ पर BC लिखा हुआ वहाँ लिख देंगे 2 VD, और जहाँ QR लिखा हुआ है वहाँ क्या लिख देंगे 2 QM. क्या मिलेगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू 2 BD अपॉन 2 QM. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट AB अपॉन PQ AB अपॉन PQ इक्वल टू होगा BD अपॉन QM. नाउ इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM सिंस AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM प्रूव डायवा है आपका. ये प्रूव किया हमने अभी यहाँ पर. एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाई CPST बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR. देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQM बाई SAS सिमिलरिटीज. तो सिमिलर हुए, देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू AD अपॉन PM बाई CPST राइट. अब आप देखेंगे चूंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू आपका होगा ABC अपॉन ट्राइंगल AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर. ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं. एंड बाय एरिया थ्योरम AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर हो गया. अब इसमें हम क्या करेंगे, AB अपॉन PQ की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे.
दिस इज योर इक्वेशन नंबर, मान लीजिए ये वाली थर्ड, ए बी अपॉन पी की जगह क्या आ जाएगा, यूजिंग इक्वेशन थर्ड, थर्ड वी गेट एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी क्यू आर इक्वल टू, जहाँ ए बी अपॉन पी क्यू वहाँ क्या आ जाएगा, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर, दैट वी हैड टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। After that, your next question number 7. Can we saying that prove that the area of the equilateral triangle described on one side of a square is equal to the half of the area of equilateral triangle described on one of its diagonals? देखिए जैसा कि आप दिया हुआ है यहाँ पे ए बी सी डी एक आपका स्क्वायर है, इसमें ट्राइंगल ए पी बी एन इक्विलेटर ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन द साइड ए बी एंड ट्राइंगल ए सी क्यू इज ऑल्सो एन इक्विलेटर ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन इट्स डायगोनल एंड वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ए पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए क्यू सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए आपका ये एक्स है तो उसका डायगोनल ये भी हमारी साइड एक्स हो जाएगी, उसका डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स यूनिट, देयरफोर जब इसके इन ट्राइंगल ए बी सी में आप देखिए, वैसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एक्स अंडर रूट टू हो जा रहा है, ठीक है, और हमने खाली दिखाएंगे आपको यहाँ इन ट्राइंगल ए बी सी, सिंस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर और बी सी की वैल्यू भी एक्स स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हुआ आपका ट्वाइस एक्स स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ट्वाइस एक्स स्क्वायर, इस तरह से हमारा जो ए सी हुआ दैट इज एक्स का बाहर आ जाएगा एक्स अंडर रूट टू यूनिट हो जाएगी, दैट इज लेंथ ऑफ डायगोनल होगा एक्स अंडर रूट टू। आप देखेंगे एज वी हैव गिवन सिंस ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल ए सी क्यू ए क्यू सी आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, देयरफोर ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर ट्राइंगल ए क्यू सी, राइट, बिकॉज ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफोर हाँ सिमिलर है तो एरिया ए पी बी, एरिया ट्राइंगल ए पी बी अपॉन एरिया ट्राइंगल ए क्यू सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, राइट, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी साइड तो इक्वलेटेड आएंगी, सभी साइड इक्वल होती है तो आप कहीं से भी वो सभी तरीके से सिमेट्री बन जाती है इसकी, ए पी बी और ए सी क्यू भी हमारा इक्वलेटरल है तो ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर हो गया, और ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी एक्स और ए सी की वैल्यू कितनी है एक्स अंडर रूट टू का होल स्क्वायर, इसे कट कर देंगे देन वी गेट एरिया ए पी बी अपॉन एरिया ए क्यू सी इक्वल टू क्या होगा हमारा वन अपॉन टू, होल स्क्वायर कर देंगे वन अपॉन टू हो जाएगा, ए क्यू सी को उधर भेज देंगे दैट इज एरिया ए पी बी इक्वल टू वन अपॉन टू एरिया ए क्यू सी, दैट वी हैव टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। DAX Tutorials presents online interactive live classes mobile number 8279452537. That your next question number 8.
इन विच सेइंग दैट दीज आर द ऑप्शनल क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई आंसर. इन क्वेश्चन नंबर 8 सेइंग दैट ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल्स ए बी सी एंड बी डी इज, कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपको उसका रेशियो सिलेक्ट करना है. तो दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी और बी डी दो इक्विलेटर ट्राइंगल हैं जिसमें डी बी सी का मिड पॉइंट है. ए बी सी एंड बी डी आर टू इक्विलेटर ट्राइंगल्स एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी. देन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी, रेशियो एरिया बी डी, दोनों एरिया फाइंड करने हैं. तो आप यहाँ देखेंगे आप सिंस ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी डी ई आर क्या है, इक्विलेटर ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स गिवेन है. एज यू नो ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल बी डी ई. रीजन आप लिख देंगे ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर. ऑल इक्विलेटर ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देयरफॉर सिमिलर हैं तो एरिया ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर. ठीक है, बी सी इसकी साइड हमने ले ली है, बी सी अपॉन बी डी का होल स्क्वायर. तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की कोई भी साइड आप ले सकते हैं, सभी साइड प्रोपोर्शनल होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर, वैसे तो हमारा अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बी डी ई लेते हैं तो ए बी के करस्पॉन्डिंग बी डी आएगा आपका. ठीक है, तो वैसे उससे भी करके ले सकते हैं, नहीं तो हमने सीधे इसको रिलेट कर दिया. तो हमारा बी सी अपॉन बी डी और बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू बी डी, ये बाई एरिया थ्योरम. बट बी सी इक्वल टू टू बी डी गिवेन है, देयरफॉर एरिया ए बी सी अपॉन एरिया वी डी इक्वल टू बी सी या ट्वाइस बी डी लिख देंगे अपॉन बी डी होल स्क्वायर. बी डी से बी डी कट गया, दैट्स वाई 4 अपॉन 1. सो एरिया ए बी सी रेशियो एरिया बी डी ई इक्वल टू 4 रेशियो 1. दैट्स वाई योर ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट. आफ्टर दैट इन क्वेश्चन नंबर 9 सेइंग दैट साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, देन फाइंड एरिया ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो, यानी इनकी एरिया का क्या रेशियो होगा. रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल दिया है आपको 4:9, देयरफॉर रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स, यानी एरिया ऑफ रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो हमारा क्या हो जाएगा, 4:9 का होल स्क्वायर, दैट इज 16:81. सो योर रेशियो विल बी 16:81. सो योर ऑप्शन इज करेक्ट, दैट्स वन डी, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है. विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश. आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, बेल आइकन भी दबाइए.
ताकि आपका सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुँचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।